इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत अभी बताता हूँ। हुक्म कीजिए सरकार। मुझे बाबू अमरनाथ के यहाँ जाना है, पता बता दीजिए जरा। जरूर जरूर। आप बाबू अमरनाथ के रिश्तेदार होती हैं? जी नहीं। जी वहाँ जाने की क्या जरूरत है, मेरे पास भी एक जगह खाली। तो आईना भी जरूर होगा? हाँ जरूर। आईना आईना आईना। डर गई बिटिया, ये गरजने वाली गोदिया है, बरसने वाली नहीं। बाबू अमरनाथ का बंगला यही है? तुम्हें उनके यहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ाता हूँ। शुक्रिया, लेकिन ये अमरनाथ की तरह उसके मिलने वाले भी डरपोक है, करे भी क्या, आखिर दूसरी शादी है ना। रामू जी। सरकार ये बंदूक ले जा। बहुत अच्छा सरकार। चलो जाने, मेरी जान कब छूटेगी, हजार बार कहा है नौकर ला दीजिए, अब मैं कहाँ कहाँ झोंकूं अपना सर। देवी जी, मैंने अपने हर मेल जोल वाले से कह रखा है, बस आजकल में कोई ना कोई नौकर मिल ही जाएगा। आएगा जब जानूंगी, अब तो मैं ही नौकरानी ठहरी। अरे मुन्नी, इंदू नहीं जागी अभी तक? नहीं मम्मी, जाऊं की जगह। अरे तू ठहर, मैं खुद जाती हूँ। सुनाओ जवान, क्या हो रहा है? क्यों मुन्नी? आइए कर्नल साहब, तशरीफ रखिए। कहिए कैसे हैं आप? इंदु की सहेली जान पड़ती जी, तो मैं ठीक। चाहती हो? हाँ हाँ, पियो पियो, शर्माओ नहीं। कर्नल साहब, आज सुबह सुबह कहाँ? सोचा वैसे तो आप चाय के लिए पूछती नहीं, आज मौके पर ही जा पकड़ू। देवी जी, ये इंदु की सहेली को छोड़ने के लिए आए हैं जी। मैं तो, अरे बेटा कुछ खा तो लो, बातें फिर कर देना। रोज रोज ये नहीं खिलाएंगे तुम्हें? ले तो लो ना। अच्छा जवान, मैं चला, आज पेंशन लेने जाना है। ओ अटेंशन सल्यूट। तैयार हो जाएगा, ये लो बिस्कुट खा लो। अच्छा भाई लेकिन सहेली जी नहीं, मैं तो, देखिए ना, मेरा नाम श्यामा है, बाबू रतनलाल ने मुझे आपके यहाँ नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? जी हाँ, आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी फैशनेबल नौकरानी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। जी मैं ऐसी नहीं हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। खास करो भी, नौकरी के लिए आई हो और हमारे बराबर बैठ कर खा पी रही हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अजीब बात है, जरूरत तो है और सब मना किए जा रहा है। क्यों पप्पू? यस देखो, तुम नौकरी करोगी? क्यों नहीं, इसीलिए तो आई हूँ। तो हो गई तुम्हारी नौकरी पक्की? क्यों पप्पू? तुम लोग चुप रहो, तुम आओ मेरे साथ। अच्छा तो मैं तुम्हें रख लेती हूँ, तनख्वाह 40 रुपए मिलेगी। जी पर काम क्या करना होगा? अरे यही जो घर के काम होते हैं, खाना पकाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, जरा बाजार से सौदा वगैरह ले आना और फिर दिन भर मजे करना। जी मैं तो समझी थी ऊपर का काम करना होगा, बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई वगैरह। तो तुम पढ़ाना भी जानती हो? 25-30 और ज्यादा मिल जाएंगे। बहुत अच्छा, मुझे मंजूर है। ये बताओ तुम रहोगी कहाँ? जी रहने का इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा, तो फिर खाना पकाना शुरू कर दो। हाँ मेरी प्यारी बहन किरण, मुझे नौकरी मिल गई है, रुपए भेज रही हूँ, अब तुम्हारी पढ़ाई बनी रहेगी। माँ की भी यही इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर सियानी बन जाओ, आशा है कि तुम कॉलेज में जी लगा के पढ़ रही होगी। ऐसी साड़ियां होती, ऐसे जेवर होते। अरे जीतू,
तुम किधर यार? अरे यार राजेंद्र, तुम कहां से अटक के? देखो यहां मेरा नाम जीतू नहीं, कमर अजीत है। समझा, अभी तक ने पुरानी आदतें छोड़ी नहीं, यहां भी किसी शिकार की तलाश में आए होगे। हाँ यार, कुछ बात तो ऐसी, लेकिन देखो इस वक्त मेरा बना बनाया खेल न बिगाड़, फिर किसी वक्त मैं तुम्हें यह सारा किस्सा सुनाऊंगा। अच्छा किरण। अजीत तुम आ गए, मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो क्या तुम आज भी कॉलेज नहीं गई? कॉलेज में दिल लगे तो जाऊं। जी तो ये चाहता है कि बस यहीं बैठी रहूं। देखो उस लड़की के गले में कितना खूबसूरत हार है, और उसके तरफ देखो कितनी कीमती साड़ी पहन रखी है उसने। एक बार मैं से चूही देने लगी थी। ये आज पागलों की सी बातें क्या कर रही हो तुम? तुम तो मुझे हमेशा पागल ही समझते रहोगे। कभी भूल पर भी मुझे समझने की कोशिश की है? मेरा दिल भी चाहता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे गले में भी मोतियों का हार हो। आखिरी लड़कियों में क्या है जो मुझमें नहीं? डार्लिंग, हर किसी के दिन होते हैं, वो दिन भी आएगा जब यही लड़कियां तुम्हारी तरफ भी ऐसी नजरों से देखेंगी। जाने कब आएगा वो दिन? वो दिन दूर नहीं है, चंद ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, और उसके बाद तुम एक जागीरदार की बहू बनकर मेरे साथ चलोगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे ऐसे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानियां पहनती। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा घर कैसा है? ओहो डार्लिंग, ये कहने की नहीं देखने की चीज है। घर क्या है, शीश महल है, शीश महल। तुम्हें देखते ही ऐसा जान पड़ेगा जैसे एक नई दुनिया में आ गई। नई दुनिया? तुम कितने अच्छे हो अजीत। ओ बिल, हाँ हाँ जरूर। अरे हुआ, ये लो आज फिर घर रह गया। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। देख क्या रहे, मैम साहब को दो। हाँ हाँ जरूर। क्या पास? हाँ, अभी तक नाश्ता नहीं आया। श्यामा, ओ श्यामा। जी आई, 9:15 बज गए हैं। कहा नहीं था पूरे 9 बजे नाश्ता मेज पर होना चाहिए? जी कल से 9 बजे ही तैयार कर दूंगी, फिर तुम्हारी तनख्वाह भी कल ही से शुरू होगी। अरे दूध कहाँ है? दूध जी अभी लाई, जल्दी ला। पिताजी, श्याम भैया आ जा रहे हैं, इन्हें लेने कौन कौन जाएगा स्टेशन पर? हम सब चलेंगे बेटी। उससे कौन सा घर का रास्ता भूला हुआ है, अपने आप चला आएगा। ये लीजिए। अरे मक्खन कहाँ है? माफ कीजिएगा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मेरा क्या है, हर रोज एक बर्तन तोड़ दिया करो, तुम्हारी तनख्वाह में से कीमत कट जाएगी। जब बाजार से नया बर्तन ला। भगवान अब तो मेरी सुन लो, मेरा संसार बसा दो, सिर्फ एक बार शादी करा दो भगवान। 8 बरस से श्रद्धा के फूल चढ़ा रहा हूँ, क्या तुम मुझे कली भी न दोगे भगवान? देखिए सुनी, मेरे भगवान ने मेरी सुनी। मैं जानता था आप जरूर आएंगी। तुम कैसे जानते थे कि मैं आऊंगी? जी वो मैंने आपसे उस दिन नौकरी के लिए कहा ना, तो आपने इनकार कर दिया था। लेकिन मेरे उस्ताद का कहना है कि बेटा औरत का इनकार भी खासा इकरार होता है। देखो ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे दूध के लिए एक बर्तन चाहिए। जी ये लीजिए। क्या दाम है इसके? दाम हटाइए जी, ले जाइए। मैं पूछती हूँ दाम क्या है इसके? आपसे दुआने। मुझसे दुआने क्यों? जी यहाँ दाम घाट देख के बताए जाते हैं। फिर वही बकवास, मैं पूछती हूँ असली दाम क्या है इसके? असली दाम 1 रुपया है। देख रहे हो भगवान तुम्हारे भक्तों पे क्या बीतती है। क्या चीज थी? हाँ तो बर्तन, अब सिर्फ टुकड़े रह गए हैं। माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, आप चाहें तो इसकी कीमत ले लीजिए। कीमत लेकर क्या करूंगी? आप उन गालियों की कीमत दे सकते हैं जो मुझे मालकिन से सुनना पड़ेंगी। आप हुक्म दे तो गालियां भी सुनाऊं मालकिन की, और अगर कहे तो एक नया बर्तन ही मंगवा दूं। अरे भाई जाओ दौड़कर एक दूध का बर्तन ले आओ दुकान से। देखिए साहब, यूं चुप चुप खड़े रहने से बेहतर है कि कुछ बातचीत ही करें आपस में। मुझे क्या पड़ी है बात करने की, मेरी आपकी क्या जान पहचान? चुप खड़ा है जरूर कोई बात है।
मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। बाकी रह गई थी तो तुम ले लो। मुफ्त की नहीं ली, सवा लाख का काम किया है, सवा लाख का। ये बर्तन लो साहब, जरा संभल के, मेरे पास और पैसे नहीं है। तो ख्याल है कि आप मेरे आगे आगे जा रही हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है, अपने आप को समझते क्या हैं आप? इतने ठंडे मौसम में इतना गर्म है सर। अगर मुझे जल्दी ना होती तो आपको मिजाज की गर्मी तो दिखा देती। मुन्नी, मुन्नी देखो ना, कोई बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। बदमाश? मैं लेती हूँ खबर उसकी। कौन? मुन्नी। अरे ये तो मेरे श्याम भैया है। नमस्ते माता जी। नमस्ते। भैया मजा आ गया खाने का, क्यों पप्पू? हाँ खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ तो श्याम, दवा खाना तो अच्छा चल निकला होगा तुम्हारा। जी दवा खाना मैंने बंद कर दिया है, काम में जी नहीं लगा। सुन रहे हैं आप, दवा खाना बंद कर दिया है, काम में जी तो नहीं लगा? क्यों बेटा, चला चला है काम क्यों बंद कर दिया तुमने? पिताजी शहर में जो लोग मेरे दवाखाने में आते थे, किसी को जुकाम होता था तो किसी का सर दुखता था, और कोई दफ्तर से छुट्टी लेने के लिए झूठा सर्टिफिकेट बनवाने चला आता। मगर तुम्हें तो अपनी फीस से मतलब था, आम खाते हैं पेड़ नहीं गिनते। माता जी डॉक्टरी मैंने दुखी जनता का रोग दूर करने के लिए सीखी है, इसलिए नहीं कि रुपयों से अपनी जेबें भरूं। ठीक है बेटा, इससे क्या जरूरत है रुपए की, समझता है बाप के पास खजाना रखा हुआ है, जितनी जरूरत पड़े मंगवा लिए। तो भैया दवा खाना बंद करके अब करोगे क्या? यही आसपास के छोटे छोटे गांव में गरीबों का इलाज करूंगा, उन गरीबों का
जो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते, जिनके पास फीस के लिए पैसे नहीं। फीस लेकर किसी अमीर के जुकाम का इलाज करने से बेहतर है कि किसी गरीब के तपेदिक का इलाज मुफ्त किया जाए। अजी कहने की बातें हैं, सब करके नहीं दिखाया किसी ने आज तक। अजी जो किसी से ना हुआ ये कर दिखाएगा। 15,000 रुपया पढ़ाई पे बर्बाद किए हैं, 2-4,000 रुपया दवाखाने में लुटा दिए, कहाँ से पूरी होगी ये 20,000 की रकम। चलो जी, धीरे धीरे कमा लेगा। तुम चुप रहो जी, तुम्हारी नरमी नहीं तो इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा रखा है। 20,000 पे पानी फेर के अब घर आ गया है आराम करने। माता जी आप बार बार रुपए का जिक्र क्यों कर रही हैं? तुम्हें रुपए का जिक्र क्यों अच्छा लगने लगा? पानी समझ के जो बहाया है उसे तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि पढ़ लिखकर कुछ कमाओ और 4 पैसे हमें भी दो। अगर आपने मुझे रुपए की लालच में पढ़ाया तो गलती की। हाँ बेटा, अब तुम ही इसे गलती न कहोगे तो और कौन कहेगा? जानते हो तुम्हारी पढ़ाई के लिए मेरे अपने बच्चों का कितना नुकसान हुआ? इंदु को कॉलेज की पढ़ाई काटती तो न थी, लेकिन मैंने उसको स्कूल से ही उठा लिया सिर्फ इसलिए कि दुनिया ये ना कहे कि मैं तुम्हारे साथ सौतेली माँ की तरह बर्ताव करती हूँ। माता जी किया जो आपने खाना नहीं खाया। गुस्से में खाना सेहत के लिए खराब होता है, लेकिन अब खा लीजिए वही गर्म मिजाज वाली। आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा श्यामा। उन्होंने जो खा लिया, चलो हम पानी पर ही गुजारा कर लेते हैं। पानी भी खूब चीज बनाई है बनाने वाले ने। पानी भी बुरा नहीं रहा। कार है इसे साफ करना। मैं यहां नहीं रहूंगा, इस कमरे में नहीं रहूंगा, इस घर में नहीं रहूंगा। लेकिन कहां जा रहे हैं आप? किसी ऐसी जगह जहां किसी को मेरी जरूरत हो और मैं किसी के काम आ सकूं। और हां श्यामा, कल रात के खाने का बहुत शुक्रिया। ओह वो आप तो छोटी सी बात के लिए मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम नहीं जानती श्यामा, इन छोटी छोटी बातों का मैं कितना भूखा हूं। कल रात मुझे यूं जान पड़ा जैसे इस घर में भी कोई मेरा है। श्यामा, अच्छा जी, मेरी चीजें लाई हो जी? कौन सी चीजें? पूछती है कौन सी चीजें? कल तुमसे क्रीम और पाउडर लाने को नहीं कहा था? जी वो तो मैं भूल गई थी। जाओ जल्दी लाओ। जी अभी लाई। अभी तो मैं जवान हूँ। श्यामा बेटी, आज फिर कोई बर्तन टूटा? जी नहीं, दुकान से इंदु बीबी ने कुछ चीजें मंगवाई। अरे इंदु कहो, इंदु बीबी क्या हुआ? मैं बंगले पे ही आ रहा था, सुना है श्याम आया हुआ। जल्दी जाइए, वो तो जा रहे हैं। जा रहा है? खैरियत तो है? जी रात किसी बात पर झगड़ा हो गया था। माँ से हुआ होगा, बेचारे की किस्मत में माँ बाप का प्यार नहीं लिखा है। तो क्या सचमुच आज ही जा रहा है? जी हाँ। अच्छा बेटी तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। मुन्नी जिद नहीं किया करते, मुझे जाना है, तुम चलो जाओ। जाता है तो जाए, यहाँ रहकर कौन सा सुख पहुँचा रहा है हमें? पिताजी
कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं अपने दोस्त डॉक्टर रमेश के यहाँ जा रहा हूँ पिताजी, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा, जीते रहो। श्याम बाबू जल्दी से मेरे साथ आइए। क्यों, क्या बात है? कर्नल साहब को बैठे बैठा ना जाने क्या हो गया, बुलाया है आपको? क्या कहा, कर्नल साहब बीमार हो गए? जी हाँ, जल्दी चलिए ना श्याम बाबू। अच्छा अच्छा, आए। ओ माँ, हाय मुझे बचाओ, अरे मैं मर गया, हाय मैं मर गया। क्या हुआ कर्नल साहब? तो निकला जा रहा है, अरे श्याम बेटा देखो तो क्या हो गया मुझे। घबराइए नहीं कर्नल साहब, मैं देखता हूँ। ओफ, हाय मेरे मालिक, मेरे गुनाह माफ कर दो, ये दर्द तो मेरी जान ही लेकर रहेगा। अच्छे भले हट्टे कट्टे तो नजर आ रहे हैं आप, फिर ये चीख पुकार क्या लगा रखी है आपने? हाँ भाई, तुम तो यही कहो। मैं भी आपके लिए दवा भिजवा देता हूँ। अरे किसी पे ना छोड़ो बेटा, आप ही पिला जाओ आकर दवा। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ कर्नल साहब। अरे बेटा, तुम मुझे मौत के मुंह में देखकर भी चले जाओगे? यहाँ कम वक्त एक ही तो डॉक्टर है, वही मिल्खी राम, जो निमोनिया का इलाज बर्फ का पानी बताता है। तुम मत जाना बेटा। कर्नल साहब कहते हैं तो रुक जाओ ना बेटा। अच्छा कर्नल साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ। हाँ बेटा रुक जाओ, अब जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आओ। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। कर्नल साहब अब जाते हैं हम, आप अच्छे हो जाएंगे, कोई फिक्र मत कीजिए। अजीब सी बात है श्यामा, मैं सोच ही रहा था कि शायद यहीं कहीं तुम मुझे मिल जाओ, और देख तो तुम आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी, शरद ऋतु के बादल की तरह। मैं भी सोच रही थी, आप ही की बाबत सोच रही थी, और आप यूं आ गए जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। आज कुछ और भी मांग लेता मैं अपनी किस्मत से। और क्या मांग लेते आप? कुछ नहीं। तो अब क्यों आप नहीं जा रहे? जाना तो होगा ही श्यामा, कर्नल साहब के ठीक होते ही चला जाऊंगा। यहाँ रहती हो तुम? जी यूं ही, छोटा सा घर है। बहुत अच्छा है, मुझे भी छोटे छोटे घर, छोटी छोटी बातें, और वो लोग बहुत पसंद है जहाँ छोटा कहती है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। बता दे कोई हमें क्या प्यार सी को
रहते हैं। दीदी अच्छा हुआ तुम्हें नौकरी मिल गई, मुझे और रुपयों की जरूरत है, जल्दी से भेज दो। और रुपयों की जरूरत है? भेजे तो थे थोड़े दिन हुए। किरण क्या कर रही हो तुम वहां? प्यार की एक शमा जलाई है, इस शमा ने मेरी अंधेरी दुनिया में उजाला कर दिया है। मेरे और अजीत के प्यार ने जीवन में एक गुदगुदी सी पैदा करती है। ये उमंगे ये तरंगे जाने कहां सोई पड़ी थी, जो अब अंगड़ाई लेके जाग उठी है। मैं चलती रहे और मैं अपने देवता के सामने नाचती रहूं। गई तो क्या, मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे प्यार की क्षमा जितनी देर भी चली खुद चली। पता चले पार्टी किस लिए दी जा रही है? मैं जानती हूँ, किरण और अजीत की मंगनी के सिलसिले में। मैं अभी हाजिर हुआ। आधे वर्ष से तुम्हारे साथ। क्या बात है? हुजूर पिछले 3 महीनों में 101 चक्कर लगा चुका हूँ किराए के लिए। आज तो मेहरबानी कीजिए। मेहरबानी जरूर होगी लेकिन इस वक्त नहीं, देखता नहीं अंदर पार्टी हो रही है। मैं पार्टी वार्टी नहीं जानता साहब, आज तक का पूरा किराया लाइए नहीं तो मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ बता दिया है। अभी आहिस्ता बोलना। खैर लाता हूँ। किरण क्या बात है जी? कुछ रुपए हैं। इस वक्त क्या जरूरत आ पड़ी? वो कमबख्त किराए वाला आ गया है,
इन डाखाने वालों को न जाने क्या हो गया है, मेरा मनी ऑर्डर ही नहीं आता। लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। उस दिन बहन ने कॉलेज की फीस के लिए जो रुपए भेजे थे वो तो आज की पार्टी पर खर्च हो गए। देखो किरण, तुम चंद रुपयों के लिए इनकार कर रही हो, हम तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक की परवाह न करें, और तुम वक्त पड़ने पर इस तरह आंखें फेर लो। नहीं नहीं अजीत, तुम तो यूं ही नाराज हो जाते हो। मैंने तो कभी भी रुपयों को तुमसे अच्छा नहीं समझा, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। कमबख्त बहन को रुपयों के लिए लिखा था, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तुम घबराओ नहीं अजीत, दो एक दिन में रुपए आ जाएंगे। अच्छा, क्या करती है बहन भी। अरे जरा अच्छी तरह दबा जी, मुझे कुछ कहना है। तुम क्या बात है? मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। अच्छा जी, अब जरूरतें भी पड़ने लगी। दिन क्या हुए हैं तुम्हारी नौकरी को? संडे संडे 8 दिन। लेकिन मुझे 30 रुपए जरूरी चाहिए। पहले महीना पूरा हो लेने दो, इकट्ठे ले लेना। मैं पहले तनख्वाह देकर नौकरों की आदतें नहीं बिगाड़ना चाहती। जब किचन में काम कर, दबाना भी ना। अभी तो मैं कन्नत साहब। कौन है बे? अरे बेटा श्याम, ये आप क्या गजब कर रहे हैं कन्नत साहब? कल तो आपकी तबीयत इतनी खराब थी और आज आप यूं खड़े जैसे हुआ ही कुछ नहीं। अरे बेटा सब कुछ बताता हूँ, जरा चारपाई जानते हो, फौजी आदमी हूँ, जरा अटेंशन। बेटा तुम तो कहा करते थे कि मैं दुनिया भर का इलाज मुफ्त करूंगा। कर्नल साहब वो तो गरीबों के लिए कहा था। तो मैं कहाँ का अमीर हूँ, तुम तो जानते ही हो, जितनी पेंशन मिलती है वो सारी पाइप के तंबाकू पर खर्च हो जाती है। और बेटा ये 32 रुपए तो बहुत ज्यादा है, वो डॉक्टर मिल्की राम तो सिर्फ 5 रुपए लेता है। जी हाँ, और वो नमूने का इलाज भी तो बर्फ का पानी बताता है ना। अच्छा बेटा, चचा की हजामत ना करोगे तो भला और किसकी करोगे? शुक्रिया कर्नल साहब, आपकी बीमारी मेरे बहुत काम आई। वाह जी वाह, एक तो बीमार पड़े तुम्हारी खातिर और उल्टा फीस भी दे। लो श्यामा से कहो इस कोट को स्त्री कर दे। जाओ भी उसे कहो और स्त्री कर दे। पप्पू या श्यामा, भैया ने ये कोट दिया, कहते हैं इसे और स्त्री कर दो। और स्त्री कर दो? हाँ। श्यामा, इन रुपयों को अपना ही समझना। दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ। कर्नल साहब, आप सुबह से रुपए गिन रहे हैं और चाय ठंडी हो रही है। अबे तुझे चाय की पड़ी है और यहाँ 32 रुपए कम हो गए। 32 रुपए? हजूर उस दिन दिए तो थे आपने। दिए थे किसको? सरकार, श्याम बाबू को फीस नहीं दी थी क्या? अरे हाँ रामू, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो बीमार हूँ। देख तो रामू कौन है। हजूर बाबू, अमन आपकी नौकरानी आई है। अबे नौकरानी नहीं, श्यामा कहो, बुला बुला। बहुत अच्छा सरकार। आओ बेटा। कर्नल साहब, तबीयत कैसी है अब? अब तो अच्छी है बेटा, शाम का भला हो जिसने मुझे दूसरी दुनिया से वापस बुला लिया। कहो, अब तो घर में झगड़ा नहीं होता? जी झगड़ा तो रहता है, लेकिन श्याम बाबू आपकी बीमारी के कारण रुके हुए हैं, आपके अच्छे होते ही चले जाएंगे वो। बेटी, अब मैं उम्र भर तो बीमार नहीं रह सकता, कोई और तरकीब निकालनी चाहिए उसे रोकने की। जी हाँ, वरना वो चले जाएंगे। तो उसे यहीं रहना चाहिए? जी जी, मेरा मतलब ये था। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। आप क्या समझ गए हैं कर्नल साहब? अरे बेटी, मैं वो समझा हूँ जो तुमसे करा नहीं जाएगा। जी नहीं, ये बात तो नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे बेटी उधर कहाँ जा रही हो? दरवाजा तो इधर है। मोहब्बत भी खूब चीज है, श्याम और श्यामा जोड़ी अच्छी है।
पर हमसे तो आशीर्वाद ले ली होती श्याम बेटा, चुपके चुपके ही मोर्चा मार दिया। तो चलो आज लगे हाथों तुमसे भी एक एक चोच हो जाए। रामू जी सरकार। श्याम को तो बुला जरा। बहुत अच्छा है सरकार। हुजूर बाबा श्याम ही छड़ता जा रहे हैं। अच्छा श्याम बेटा श्याम। कर्नल साहब ये क्या दौड़ने भी लगे आप? क्यों ना दौड़ू, किसी का डर है मुझे। लेकिन कर्नल साहब दौड़ने से आपके फेफड़ों पर बुरा असर पड़ेगा। ये जापानी फेफड़े नहीं बेटा, असली माल है। लेकिन कल तक तो आप बीमार पड़े हुए थे। कौन कहता है मैं बीमार था? अरे ये सब नाटक तो तुम्हें रोकने के लिए रचाया था, अब इस नाटक की जरूरत नहीं, अब तो तुम्हें अपनी गरज से रुकना पड़ेगा। लेकिन अब क्या बात है कर्नल साहब, पहले मैं बीमार था अब तुम बीमार हो। जी नहीं मैं अच्छा भला हूँ। अच्छे भले हो? और वो जो दिल की बीमारी खरीद ली है तुमने? कुछ समझा नहीं कर्नल साहब। मैं कर्नल साहब, कर्नल साहब क्या कहा करता है बे, कभी तो चचा कहा कर। श्याम और श्यामा, कुदरत ने तुम्हारे नाम सोच कर रखे हैं। श्यामा का हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जरूरी चाहिए, फौरन भेज दो। किरण फिर रुपए चाहिए, 100 रुपए कहां से लाऊं तुम्हारे लिए? मैं खुद वहां आकर देखूंगी कि तुम रुपयों को क्या करती हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसका तार है मम्मी? अरे सेठ अमृतलाल कल गुणसुंदरी को लेकर यहां आ रहे हैं। यहां क्या काम है उन्हें? वो गुणसुंदरी की शादी शाम से करना चाहते हैं ना मम्मी। गुणसुंदरी तो बड़ी भद्दी सी है, जितना प्यारा नाम है उतनी ही सूरत गलत है। अरे सूरत सही हो या गलत इससे हमें क्या, हमें तो उसकी दौलत से गरज है ना। पर उसकी दौलत से हमें क्या फायदा, मजे तो शाम भैया उड़ाएंगे। अरे पगली दहेज तो अपने ही घर आएगा, दे दूंगी शाम को 2 कपड़े 2 जेवर, बाकी सब संभाल रखूंगी तेरे लिए। ओ मम्मी कितनी दूर की सोचती है तूने, अब देखना शाम भैया बात ना बिगाड़ दे किसी तरह। घबराती क्यों है मेरी लाडो, उसको तो मैं संभाल लूंगी। अच्छा हुआ कर्नल बीमार पड़ गया और शाम रुक गया। मम्मी शाम भैया, श्याम बेटा जरा इधर तो आओ। बेटा पानी पड़ने वाला है और तुम बाहर जा रहे हो? कुछ दवाओं की जरूरत है माता जी, बाजार जा रहा हूँ। तो ठहर के चले जाना, यूं ही कहीं भीग गए हवा लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। और सुनो बेटा, मैं वाली जाऊँ उस दिन की बातों को बुरा ना मानना, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। मैंने तो आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मनाया माता जी, मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी की एक सगी माँ के लिए हो सकती है। क्यों ना हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और सुनो बेटा, घर छोड़ने का ख्याल कभी दिल में ना लाना। हाँ अगर तुम चाहते हो तो पड़ोसी ही के किसी गांव में दवाखाना खोल लो, जो थोड़ी बहुत मदद हो सकेगी मैं जरूर करूंगी। हाँ शुक्रिया माता जी। पानी पड़ता तो नजर नहीं आता, तुम बाहर जा रहे हो ना? जी हाँ। जा बेटा जा, जा। क्यों कैसे रही? ओ क्या बात है मेरी मम्मी की। क्यूरी तू यहाँ कब से खड़ी है? जी मैं तो अभी आई हूँ। क्यों क्या है? जी मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, शहर जाना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा कल तक लौट आएगी तो जा, देखो पहले गाड़ी से चली आना। हाँ जी बहुत अच्छा। ये लीजिए, इससे बेहतर चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए प्याले का प्याला, ढकने का ढकना। अरे श्यामा आओ आओ, कहो अच्छी तो हो। इसका दाम? कह तो दिया जी 6.5 रुपए है। कहो किस चीज की जरूरत है? कुछ कहीं? अरे नहीं देवी जी, मुझे बेचना ही नहीं है। नमस्ते। तेल साबुन पाउडर क्रीम खट्टी मीठी गोलियां? नहीं मोहन। मोहन नहीं मनमोहन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम। मुझसे जरूरी काम है सर? कम करो ना। मुझे 100 रुपए उधार चाहिए। सिर्फ 100 रुपया?
कोई 2-4 लाख रुपए की बात की होती तुम उसके बदले ये हार रख लो। श्यामा ये फिर दिल तोड़ने की बात कर रही हो ना। अरे मनमोहन मनमोहन है, कोई ऐसा वैसा नहीं। ये तो सर नहीं, ये हार तुम्हें रखना ही पड़ेगा वरना मैं रुपए नहीं लूंगी। अच्छा दे दो। हाँ ये है, मुझे किरण से मिलना है। कौन सी किरण? वो जो ऐसे में पढ़ती है। तुम कौन होती हो उसी? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, जरा बुला दो उसे। यहाँ हो तो बुलाऊ, वो तो एक लड़के के साथ बाहर गई है। लड़के के साथ? कौन है ये लड़का? मेरी बला जाने, हर तीसरे दिन आ जाता है मुआ। उस सड़क पर कोने की बिल्डिंग में रहता है। जानते नहीं, इजाजत के बगैर किसी की तस्वीर उतारना जुर्म है। अजी हुजूर कैसा जुर्म और कैसी सजा, हम लोग जहाँ कहीं अच्छा सीन देखते हैं बस अपना काम शुरू कर देते हैं। नहीं हमें तस्वीर उतरवाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना रास्ता लो। मगर हुजूर मोहब्बत के दिनों की कोई ना कोई यादगार रखनी ही चाहिए। बेचारे का दिल रख लो ना जी। तो तुम अकेले उतरवा लो अपनी तस्वीर। नहीं नहीं हुजूर, हम सिंगल आदमी की तस्वीर नहीं उतारते। ये हमारा एल्बम देखिए, सब जोड़े ही जोड़े हैं। अच्छा भाई जोड़ा ही लो। थैंक यू। मेरे मेम साहब ज्यादा नहीं लिए, हमारा कैमरा हिल जाएगा। रेडी रेडी, ओ नो, लेडी ऑन द लेफ्ट प्लीज। थैंक यू। रेडी रेडी, ओ थैंक यू। बस अब एक मिनट में धुली धुलाई तस्वीर आपके हाथ में देता हूँ। ये लीजिए साहब आपकी तस्वीर, और लाइए हमारे बाहर आने। लो साथ 1 रुपया ही ले जाओ। क्या याद करोगे किसी रईस की तस्वीर उतारी थी? नहीं नहीं साहब ये बात गलत है, हम किसी से बख्शीश नहीं लेते। ये लीजिए आपकी चवन्नी। अच्छा जी, अद्दी तस्वीर है। हाँ नानी, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो आज शाम को किसी बड़े स्टूडियो में एक और फोटो खिंचवा लेंगे। नहीं किरण, ये बड़े स्टूडियो वाले फोटो बनाकर दुकान के बाहर नुमाइश के लिए लगा देते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई हमारी जान पहचान वाला देख लेता हो तो क्या होगा, हमें शादी तो करनी ही है। हाँ शादी तो करना ही है, लेकिन शादी से पहले इश्तहारबाजी अच्छी नहीं होती। और फिर इतनी जल्दी क्या है, तुम जरा कॉलेज की पढ़ाई तो खत्म कर लो।
कॉलेज में तो भी 3 बरस और लग जाएंगे। अरे 3 बरस क्या, तुम कहो तो हम तुम्हारा 300 बरस इंतजार करें। हटो जी, तुम तो हमेशा टाल मटोल कर देते हो। तुम नहीं समझती किरण, शादी के लिए रुपया चाहिए, अब वो कहाँ से आएगा? पिताजी ना जाने रूठ गए हैं या मेरा पता ही खो बैठे हैं जो पैसे नहीं भेज रहे। मेरा ख्याल है कि कर्नल चाचा को अड्डे लगाऊं, उनकी दौलत बैंकों में पड़ी सड़ रही है और यहाँ मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। मकान का किराया मैं दे दूंगी, मैंने बहन से रुपए मंगवा रखे हैं। रुपए मैं ले आई हूँ। तुम किरण कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी? हाँ हाँ, शायद बहन का कुछ संदेशा लेके आई है। तुमको बहन ने भेजा है ना, कहो अच्छी तरह तो है वो? बहुत अच्छी तरह। ये कौन है? तुम्हें क्या, कोई भी हो तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं ये देखने आई हूँ कि तुम कॉलेज की पढ़ाई के बहाने यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया था, आवारा आदमियों के साथ रंगरलियां मनाने के लिए नहीं। किरण, एक नौकरानी की ये मजाल के तुम्हारे मुंह लगे, तुम्हारी जगह मैं होता तो जबान खींच लेता इसकी। तुम चुप रहो, बदमाश कहेंगे। किरण तुम, और ये बदमाश कहो। बदतमीज, जाओ और बहन से जाकर कह दो ये सजा होती है किसी की आजादी में दखल देने की। चलिए यहां से। माफ करना छोटी बीबी, मुझसे गलती हुई। ये लो रुपए, तुम्हारी बहन ने भेजे हैं। रामू, आज नाश्ता इतना ही है? जी सरकार। जी सरकार, तू जरूर मुझे भूखा मारेगा। कहो बेटा डॉक्टर कहाँ चले? जी जरा स्टेशन जा रहा हूँ, कुछ मेहमान आने वाले। मेहमान और तुम्हारे घर? बड़ी अजीब सी बात है, कौन है वो? जी है कोई सेठ अमृतलाल और उसकी लड़की। समझे, ये तुम्हें फंसाने की तैयारियां है बेटा, लेकिन तुम किसी का कहे सुनने में ना जाना। तुमने किसी से वादा किया है? जी मैं कौन सा अपनी खुशी से जा रहा हूँ। नहीं नहीं, जाओ बेशक खुशी से जाओ, बड़ी मोहब्बत से उन्हें घर लाओ और 2-4 दिन के बाद प्यार से उन्हें रवाना कर दो, और अगर कहीं मामला टेढ़ा हो जाए तो कर्नल को बुला लेना। जाओ। शुक्रिया। बेटी गुण सुंदरी, ना तो अमरनाथ नजर आता है और ना ही श्याम। अरे श्याम, कहाँ से आ रही हो? जी मैं बाहर गई थी, आप कैसे आए? तुम्हें लेने नहीं आया, तुम हमें कौन सा बता के गई थी? मेरा ख्याल था घर पे बता दिया होगा किसी ने। मुझे घर में बताने वाला कौन है? सारी रात परेशान रहा, न जाने तुम कहाँ चली गई। कुली लो मारे गए, तंबाकू कुली भी नहीं मिलता। अच्छा मैं चलती हूँ, घर पे मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? अरे हाँ, मैं भी तो उन्हें लेने आया था। अच्छा तुम चलो, मैं आया। सब तैयारी हो गई? जी बस मेहमान आते ही होंगे। और देखो मुन्नी, अपनी जबान काबू में रखना, तुम भी पप्पू। कल्लिया चुप रहो। आ गए मेरे लाल, सेठ साहब कहाँ हैं? जी वो तो नहीं आए। ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने अच्छी तरह तलाश तो किया था? जी हाँ, मैं एक एक का मुंह देख के आया हूँ। जरूरत है, बंदा जो हाजिर है। श्यामा उठाओ ये चीज़। ये लो बेटा, ये लो ये लो। अरे श्यामा तुम जाओ जल्दी से रसोई में जाओ, ये लो ले लो ले लो। भाभी तुमने भी बरत के दिन जन्म लिया है, ना किसी को खाने देती हो और ना खुद खाती है। लो जवान डरते क्यों, तुम तो खाओ। ये फिर शाबाश, ये बात है। अरे इंदु ये लो ना। ये लो मुंगा, और लो हाँ बस ये लो। भाई मजा आ गया, केक बहुत अच्छे थे जवान। क्यों शाम
मालकिन, मेहमान आ गए, मेहमान आ रहे। हे भगवान, अब क्या होगा? बाप रे बाप। आगे लाला जी। नमस्ते 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 नमस्ते। सुबह से आप ही का इंतजार हो रहा था। घर पहुंचने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आपको? जी तकलीफ कैसे होती, आपने तो मेरे स्वागत का पूरा इंतजाम कर रखा था। शाम को भेजा तो था आपको लेने के लिए, पता नहीं क्यों मुलाकात नहीं हुई। अब छोड़िए इन बातों को, अब जरा जल्द चाय पिलवा दीजिए, मारे भूख की अंतड़ियां उबल रही है। अजी अभी 10-15 मिनट में चाय तैयार हो जाएगी। 15 मिनट? हाँ। क्या बात है मुन्नू, तुम तो हंसी का गोलगप्पा बन गई हो। हमारे मेहमानों को देखा, मालूम होता जैसे अभी अभी चिड़ियाघर से निकल भागे हो। पप्पू, ये श्यामा। ओ श्यामा। मुन्नी जरा देखो तो जाके क्या काम है, मुझे जरा नमक डालना है चावल में। नमक मैं डाल लूंगी, तुम जाओ, मुझे सब कुछ मालूम है। क्यों पप्पू? सुंदरी और श्याम जोड़ी बड़ी अच्छी है, भला ऐसा रिश्ता और कहाँ से मिलेगा। देवी जी ये तो ठीक है, लेकिन एक मर्तबा श्याम से तो पूछ लेना चाहिए। अजी तुम भी अजीब हो, भला श्याम से पूछने की क्या जरूरत है, लड़की अच्छी है, घर अच्छा है, और क्या हाथी घोड़े चाहिए उसे। श्यामा को बुलाया था, आई नहीं हुई अभी तक। अरे तू यहाँ क्या खड़ी है बुत बनकर, चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया, तू है कि सुनती ही नहीं। खाना तैयार है क्या? बस थोड़ी देर है। और देख नमक मिर्च का ख्याल रखना, खाने में कोई कसर ना रह जाए। अरे इधर नहीं, इधर। सेठ जी आप पहले से कुछ दुबले नजर आ रहे हैं। अकेली जान हुई, मिल का सारा काम संभालना पड़ता है, शाम आ जाएगा तो सुख का सांस मिलेगा। लेकिन लाला जी मुझे तो मिल की नौकरी नहीं चाहिए। अरे बेटा नौकरी काहे की, तुम तो मालक बनोगे मालक, तुम्हारी शादी तो गुनसुंदरी से हो रही है ना। लाला जी मुझे शादीवादी नहीं करनी। श्याम। क्यों जी, अगर लड़का राजी नहीं था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? धंधे का हर्ज हुआ, गाड़ी का भाड़ा फजूल खर्च हुआ। सेठ जी ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए, इसकी बात में ना आइए, माँ बाप का कहना है, इसे मानना ही पड़ेगा। आप खाना खाइए, ये लीजिए चावल, बहुत अच्छे बने हैं। बाप रे बाप, इतना नमक, मजाक करने के लिए बुलाया था हमें, घर बुलाकर मेहमानों की हत्या करते हो। बेटी गुनसुंदरी उठो, हम अभी वापस जाएंगे। सेठ अमृत लाल जी, सेठ अमृत लाल जी, आप भाई में अच्छा सुना था, देख ली बेटे की करतूत, मेहमानों के सामने पगड़ी उछाल कर रख दी, मुझे चली थी चावल बनाने, लोटा भरकर नमक डाल दिया। मालकिन समझ में नहीं आता कि नमक ज्यादा कैसे हो गया। माँ श्यामा का कोई कसूर नहीं, नमक तो मैंने डाला था। हाँ तूने? मैंने सोचा मेहमान इतना बड़ा है तो नमक की डल्ली भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। हाँ तेरे की, मेरे नसे फूटे। बेटी गुनसुंदरी मैं भी इनसे बदला लेकर छोड़ूंगा। हाँ बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तुम आ गई श्यामा, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। आप यूं छुप छुप के ना मिला कीजिए श्याम बाबू, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे कारण घर वालों की नजरों से गिर जाएं। मैं उनकी नजरों में ऊंचा ही कब था श्यामा। जो कुछ भी हो वो घर है आपका, आपको माँ बाप की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कभी जानबूझ के कोशिश नहीं की कि मेरी वजह से उन्हें दुख पहुंचे। तो फिर आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो श्यामा, इसका मतलब है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मेरे दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम है, मैं नहीं चाहती कि आप घर वालों की नजरों से दूर हो जाएं, दुनिया की नजरों से गिर जाएं, इसलिए आपसे मिन्नत करती हूँ कि मुझे दिल से निकाल दीजिए। मैं आपकी होते हुए भी आपकी नहीं हो सकती, सोचिए तो मेरा और आपका क्या मेल, आप मालिक और मैं नौकरानी, कहां आप और कहां मैं, सचमुच कहां आप और कहां मैं।
देखा श्यामा, अब तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। जाने कैसे गिर गई नीचे, मैं फिर इसे वहीं लगा देती हूँ। इसे यहीं रहने दो श्यामा। किसी और बड़ी ताकत को यही मंजूर है कि मैं तुम्हारे कदमों में जा पड़ूं। और ये छोटे बड़े का फर्क तो इंसान का पैदा किया हुआ है, कुदरत का नहीं। इसे दीवार पे मत लगाओ श्यामा, इसकी असली जगह तुम्हारा दिल है। इतनी प्यारी तस्वीर, अच्छी नहीं लगेगी ये करीब के दिल में। अच्छी क्यों नहीं लगेगी, देखो तो, इसे दिल में रखने से तस्वीर की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। तस्वीर की खूबसूरती क्या बढ़ेगी श्याम बाबू, यूं कहिए तस्वीर ने इस दिल की दुनिया को आबाद कर दिया, इसे खूबसूरत बना दिया। श्यामा, श्यामा, अच्छा मैं चलती हूं। श्यामा, साफ करने। क्या कह रहा था शाम तुमसे? जी, उनकी तस्वीर हवा से नीचे गिर गई थी, मैं उसे... तू उसे सीने से लगा रही थी है ना? कमबख्त दो दिन पेट भर खाना मिला और तूने पांव फैलाने शुरू कर दिए। मालकिन, अब पता चला कि शाम ने इतने अच्छे रिश्ते से तेरी खातिर इनकार कर दिया। उस कमबख्त की अकल पर पर्दा पड़ गया है जो तू जैसी कमीनी की बातों में आ गया। कल मुझे अगर आंखें ही लड़ानी थी तो किसी अपने जैसे से लड़ाई होती। दो टके की छोकरी अपनी औकात भूल गई। जा निकल यहाँ से, अगर फिर कभी इस दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो दीदे फोड़ दूंगी। श्याम भैया, श्याम भैया, श्याम भैया, श्यामा चली गई। क्या कह रही हो मुन्नी? माता जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है भैया। निकाल दिया? ओह, श्यामा, जो कुछ हुआ इसका अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है। आप अफसोस से फायदा, मैंने पहले नहीं कहा था आपको, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आप भूल जाइए मुझे। अगर उस वक्त आपने मेरी सुनी होती तो आज ये बेइज्जती ना होती मेरी। ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई है श्यामा, मेरी हुई है। उन्होंने तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला बल्कि मुझे निकाला है। मैं छोड़ रहा हूँ इस घर को। नहीं नहीं, आप मेरे लिए इस घर को ना छोड़िए, अपने दिल को समझाइए, रोकिए अपने आप को। अब किसी के रोके नहीं रुकूंगा श्यामा। उधर देखो, पत्थर के सीने को चीर कर जो ये पानी बह निकला है, क्या ये रुक सकता है? अगर ये किसी के रोके नहीं रुक सकता तो फिर ये जो तूफान मेरे दिल में उठा है ये कैसे रुक सकता है? श्यामा, मैं आज रात यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं श्याम बाबू, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे दिल में भी तूफान उठ रहे हैं, मेरा दिल भी तड़प रहा है सीने से बाहर निकल आने के लिए, पर क्या करूं? मैं औरत हूँ, बेबस हूँ, मेरे पाँव में जंजीरें हैं। तो श्यामा, तुम्हारी आंखों में मैंने जो मोहब्बत की लहर देखी थी, क्या वो धोखा था मेरी नजरों का? मैं तुम्हें गलत समझा श्यामा, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। ऐसा ना कहिए श्याम बाबू, ये बात नहीं, मुझे आपसे प्यार है। मैं आपकी हूँ श्याम बाबू, मैं आपकी हूँ। तो फिर तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपने प्यार का सबूत देना होगा। जवाब दो, चलोगी मेरे साथ? श्याम बाबू, मैं चलूंगी, जो होना है होके रहेगा। आप दिन ढले यहाँ पहुंच जाए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और हमारी इस प्यार की दुनिया पर छा जाए, हम चले जाएंगे। हाँ श्यामा, आज हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। बात है, चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं किरण? बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, वही हुआ जो तुमने कहा था। अजीतों के पास निकला, अपनी मीठी मीठी बातों से उसने मुझे बहकाया। शादी का लालच देकर वह मेरी जिंदगी से खेलता रहा और अब मुझसे आगे फैल रहा है। तो मैं क्या करूं, जब तो तुमने मेरी एक ना मानी, अंधी जवानी के जोश में मुझसे बात तक करना अपनी बेइज्जती समझा। उस बदमाश के सामने मुझे नौकरानी कहकर पुकारा,
तुम ये भूल गई कि मैंने नौकरी की तो इसलिए कि तुम अच्छी तरह से पढ़ सको, भूखी रही तो इसलिए कि तुम जी भर के खा सको। मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच अंधी हो गई थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। अजीत शहर छोड़कर भाग रहा है, उसे चलकर रोको, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी जिंदगी का ख्याल करती हो और ये भूल जाती हो कि मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी आशा है, मेरे भी अरमान है। तुम वापस जाओ किरण, इन सब बातों को भूल कर पढ़ने में जी लगाओ। अगर अजीत तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम भी उसका ख्याल छोड़ दो। छोड़ कैसे दूं, मेरी जिंदगी तो अब उसी के साथ है, उसे रोकना ही होगा। अगर वो ऐसे ही पाक की निशानी देकर चला गया तो मैं जहर खा लूंगी। पाक की निशानी क्या मतलब? मैं मां बनने वाली हूँ। किरण, ये क्या किया तुमने? तुमने ये भी ना सोचा कि तुम किस माँ की बेटी हो, किस बाप का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, किस खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अब ये काला मुंह लेकर मेरे पास क्या करने आई हो? रास्ते में डूब क्यों ना मरी तुम? जाओ, चली जाओ यहाँ से। बहन, तो क्या तुम भी मुझे सहारे न दोगी? काश आज मेरी माँ होती। नादान बेटियों के पर्दे माँ के सिवा कौन ढकता है? श्यामा, किरण को तेरे हवाले किए जाती हूँ। अब तू ही इसकी बहन है और तू ही माँ। रास्ते में मिली थी मुझे, हाथ में एक बैग उठाई थी, मैं जानो स्टेशन गई होगी। स्टेशन?
बन कर आए, जो दिल में खुशी बन कर आए, वो दर्द बता कर चल गए हाय, चल गए जो शमा जलाने आए थे, जो शमा जलाने आए थे, वो शमा बुझा कर चल गए हाय, चल गए जो दिल में खुशी बन कर आए। क्यों आँख मिलाने आए थे, क्यों आँख मिलाने आए थे, जो आँख चुरा कर चल गए हाय, चल गए जो दिल में खुशी बन कर आए, जो दिल में खुशी बन कर आए, वो दर्द बसा कर चल गए हाय, चल गए जो दिल में खुशी बन कर आए। लाखों टूटे दिल इस राह में, लाखों टूटे दिल आए और आकर चल गए हाय, चल गए जो दिल में खुशी बन कर आए, जो दिल में खुशी बन कर आए, वो दर्द बसा कर चल गए हाय, चल गए जो दिल में खुशी बन कर आए। कोई बात नहीं, श्यामा कहीं नहीं गई, वो गई है लौट आने के लिए। जाने क्या बात हुई, वरना श्यामा उनमें से नहीं जो आती हैं और चली जाती हैं। बेटा, तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, उनकी कहानी मैं समझता हूं। ये आंसू कभी मेरी आंखों में भी आए थे, मैंने भी मोहब्बत की थी श्यामा से भी, क्या फर्क पड़ता है, बस यूं ही उससे मुलाकात हो गई, मोहब्बत हो गई। कभी ये चांद तारे, रंगीली रुतें, कांपते हुए होंठ तुम्हें बहकाने की ठान लेते हैं और तुम बहक जाते हो। बहकना बुरी बात नहीं, बहक कर होश में आ जाना कयामत है। फिर क्या हुआ कर्नल चाचा? बाकी कहानी वही पुरानी है, श्यामा मिलती है या नहीं मिलती, मुझे नहीं मिली। बेटा, तुम भी मेरी तरह सब कुछ भुला दो, डॉक्टर हो, गरीबों के जख्मों पर मरहम लगाओ, कुदरत तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाएगी। चलो बेटा। चलो अजीत, 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 अजीत,
लोगों के ताने सुनने के लिए, उम्र भर रोने के लिए, कोई तुम्हें ताने नहीं देगा, कोई तुम्हारी तरफ उंगली नहीं उठाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ किरण। नहीं नहीं, मैं बदनामी और पाप की तस्वीर हूँ, तुम मुझे कहाँ कहाँ गिरने से लगाए फिरोगी। बात करना नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे पाप की घटा तुम्हारी खुशियों की दुनिया पे जा जाए। मेरी दुनिया तुम हो किरण, तुम्हारी खुशी मेरा जीवन है, तुम अपना जीवन मेरे हवाले कर दो, मैं उसे माँ की अमानत समझूंगी, तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट देखने के लिए मैं समाज से लड़ूंगी, दुनिया से लड़ूंगी, तकदीर से लड़ूंगी, तुम चलो मेरे साथ, हम यहाँ से दूर किसी और शहर में चले जाएंगे, पिछली जिंदगी भूलकर, पिछले लोग भूलकर। क्यों चली गई, क्यों ठुकरा दिया तुमने मुझे, मैं मजबूर हूं शाम, जाने किस्मत यही चाहती है हम एक दूसरे से दूर तड़पते रहें। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा श्यामा, तुम ही मेरी दुनिया थी, तुम चली गई, अब क्या रह गया है मेरे लिए दुनिया में। मेरी याद को दिल से निकाल दो शाम, मुझे भूल जा।
जैसे कुछ हुआ था। तुम्हारी ही छाया में मेरी और श्यामा की मोहब्बत फली फूली, और आज तुमने इतना भी नहीं पूछा कि तुम अकेले क्यों हो, तुम्हारी श्यामा कहाँ चली गई, तुम्हारी बहार कहाँ चली गई। जानता हूं एक दिन तुम्हारी बहार भी चली जाएगी, जब फूल गिर जाएंगे तुम्हारे और एक तेज हवा तुम्हारे पत्तों को बखेर देगी, लेकिन तुम्हारी सूखी डालियों पर फिर से फूल पत्ते निकल आएंगे, फिर से बहार आएगी तुम पे। पर मेरी बहार भी आएगी कभी। समझाते एक बरस बीत गया, लेकिन जब देखो वही भीगी हुई आंखें, वही उदास चेहरा। क्या करूं दीदी, साल भर में एक घड़ी भी तो ऐसी नहीं आई जब मेरे पाप की याद ने मुझे ना रुलाया हो, रातों की नींद दिन का आराम न छीन लिया हो। अब भी यूं मालूम होता है जैसे मैं नरक की आग में जली जा रही हूं। इससे तो यही अच्छा होता कि मैं अपने ही हाथ अपनी जिंदगी खत्म कर लेती। ऐसा ना कहो किरण, तुम्हारे इस पाप का जिम्मेदार अजीत है, उसी ने तुम्हारे दिल में पाप का तूफान उठाया। तुम्हारी सिर्फ इतनी भूल हुई कि तुम उस तूफान में बह गई। फिर भी निराश होने की कोई बात नहीं किरण, भगवान अगर पाप करने वाले को सजा देता है तो सच्चे दिल से पछताने वाले को माफ भी कर देता है। तो दीदी क्या मेरा पाप भी माफ कर देगा भगवान? क्यों नहीं किरण, अब तुम एक नया जीवन बसाने का ख्याल करो, उठो कपड़े बदलो। मुझे तो कोई शौक नहीं, तुम तो पहना करो। ठहरो मैं तुम्हारे लिए साड़ी ला सकती हूँ। नहीं दीदी, देखो तो कितनी अच्छी लगती हो, अगर कोई जेवर पहन लो तो चांद भी शर्मा जाए। अरे हाँ, जेवर से याद आया, मनमोहन के पास एक हार गिरवी रखा था, आज ही रुपए भेजकर मंगवा लेती हूँ। ये सब रहने दो दीदी, मैं जिस हाल में हूँ अच्छी हूँ, मुझे गहने कपड़े की कोई इच्छा नहीं। गहने कपड़े ना पहनूंगी तो पिया के मन कैसे भाओगी। कल ही डॉक्टर रमेश कह रहे थे कि अगर किरण बन संवर के रही तो बहुत ही भली मालूम हो। तुम मेरे सामने डॉक्टर रमेश का जिक्र ना किया करो बहन, तुम उसके घर में काम करती हो, इसका यह मतलब नहीं कि वो मेरे बारे में ऐसी बातें किया करे। अच्छा, उनकी खातिर ना सही, मेरी खातिर ही पहन लो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती किरण, मैं किसी तरह भी तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मुझे खुश देखना चाहती हो, लेकिन तुम खुद भी तो खुश नहीं, ऐसा मालूम होता है जैसे कोई बीती बात भुलाने की कोशिश कर रही हो। दीदी तुम्हारे सीने में जरूर कोई गहरा जख्म है जिसे मुझसे छुपा रही हो। पगली, मेरे सीने में क्या जख्म हो सकते हैं भला? नहीं दीदी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे जिस्म का जरा जरा इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम अपने अंदर दुख की दुनिया छुपाए बैठी हो। किरण, मैंने कह चुकी है मुझे कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब मैं काम पे जाती हूँ। ठहरा दीदी, मैं तुम्हें यूं उदास ना जाने दूंगी। दीदी तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, अब मैं समझ के इस दुनिया की रीत, जीना करे खाना जरूर है, मानना माने पहनना जरूर है, हंसी ना आए मुस्काना जरूर है।
माँ, श्यामा अभी तक नहीं आई? आती ही होगी, क्यों उससे कुछ काम है क्या? नहीं, यूं ही पूछा था। मैं समझ गई, किरण की बात करनी होगी। तुम्हें तो अब हर वक्त किरण ही की लगी रहती है। लो श्यामा आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। 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 श्यामा बेटी, एक बात तो सुनो। क्या बात है माँ जी? एक दिन किरण को तो खाने पर लाओ, मैं उसे अच्छी तरह से देख लूं, और फिर रमेश और किरण की शादी का दिन मुकर्र कर देंगे। जरूर लाऊंगी माँ जी, लेकिन कहीं वैसा खाना ना खिलाइएगा। कैसा खाना? जहाँ मैं पहले काम करती थी, वहाँ छोटे बाबू के रिश्ते के लिए एक सेठ जी अपनी लड़की दिखाने लाए। उस दिन बच्चों को शरारत जो सूझी, तो खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। बस फिर ना पूछिए क्या हाल हुआ सेठ जी का। इधर वो गुस्से में आए, उधर छोटे बाबू को बहाना मिल गया, और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। इतनी सी बात पर इनकार कर दिया? नहीं, कोई और बात होगी। क्या वो किसी और से शादी करना चाहता था? इस बात का पता नहीं माँ जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। अच्छा बेटी। आराम करो। क्या हुआ दीदी, कुछ बीमार नजर आती हो? हाँ किरण, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? मैं अभी बाजार से दवाई लेके आती हूँ। श्याम, मैं जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करती हूँ, तुम उतना ही याद आती हो। जितना तुम्हारी याद को दिल से निकालने की कोशिश करती हूँ, तुम उतना ही आंखों के सामने आ जाती हो। मनमोहन जी, ये दवाएं दो। बीमारों के लिए तो दवाइयां हमेशा ले जाते हैं डॉक्टर साहब। ये कहिए, कुछ अपनी बीमारी का इलाज भी हुआ या नहीं? श्यामा का खतवत आया कोई? देखो मनमोहन, ज्यादा बातें ना करो, दवाएं दो जल्दी। जी मैं तो इसलिए कह रहा हूँ सरकार, कि वो मुझसे भी धोखा कर गई है। आपका तो सिर्फ दिल ले गई है, लेकिन मुझे गरीब के तो 100 रुपए भी ले गई है। जुबान बंद कर दो या। देखिए सरकार, यकीन ना आए तो ये हार देखिए। 100 रुपए में गिरवी रह गई है मेरे पास। मुझे तो झूठे सोने का मालूम होता है। साहब, ये आपका मनी ऑर्डर। मेरा मनी ऑर्डर? जी हाँ, आखिर सरकार ने हमारी कदर की और हमारी सेवा के बदले में पैसे भेजे हैं। सरकार की तरफ से पैसे नहीं, वारंट आएंगे, वारंट। ये मनी ऑर्डर तो श्यामा देवी का है। श्यामा देवी? श्याम, हम कहाँ थे? अब तो सुबह हो गई है। तुम्हारी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं मालूम होती। कहो तो आज मैं काम पे हुई हूँ। नहीं किरण, मैं खुद ही जाऊंगी। डॉक्टर रमेश की माँ से मुझे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? कौन सी बात है वो? देखो तो किरण कौन है, किसी को अंदर ना आने देना। रमेश बाबू। किरण। कहिए, कैसे तशरीफ लाए? बात यह है, हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाले, श्यामा को उसकी खबर देना थी, और फिर मुझे आपसे भी मिलना था। माँ आपको बहुत याद कर रही, आप हमारे घर कब आएंगे? माफ कीजिएगा,
मैं आपके यहाँ नहीं आ सकती। तो आप इनकार कर रही हैं? चलिए मैं खुद श्यामा से कह देता हूँ कि आपको साथ ले आए। श्यामा, तो तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं ठीक है, बस आ ही रही थी। जरा जल्दी आना और इन्हें भी साथ लेती आना। माँ इन्हें देखने के लिए बेचैन है और ये है कि आने से शर्मा रहे। शर्माने की बात ही है। किसका बच्चा है ये? ये मेरा बच्चा है डॉक्टर साहब। आपका? मगर आपने कभी जिक्र ही नहीं किया। कितना प्यारा है, बिल्कुल किरण की तरह लगता है। अक्सर बच्चे की शक्ल मौसी की शक्ल से मिल जाती है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप जल्दी आइए। जी मैं अभी आई। क्यों मेरे बच्चे? दीदी इस बच्चे को हाथ मत लगाना। किरण तुमने इसे अपना क्यों कहा? आखिर तुम चाहते क्या हो? यही कि तुम ठिकाने लग जाओ, तुम्हारी जिंदगी समर जाए। तो क्या तुम डॉक्टर उमेश को अंधेरे में रखकर मेरी शादी उससे करना चाहती हो, उसे धोखा देना चाहती हो? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी किरण। कानून और समाज इसके लिए जो भी सजा देगा मैं खुशी से सहूंगी। नहीं मैं ये ना होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बच्चे को अपना लो, मेरे कान का टीका अपने माथे पे लगा लो। जानती हो इसका क्या मतलब होगा? तुम्हारे लिए जिंदगी के सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, तुम सारी उम्र शादी न कर सकोगी। तुम्हारे लिए मैं अपनी सब खुशियां भूल सकती हूँ किरण। मैं तुम्हें दुल्हन देखना चाहती हूँ। मैं वो दिन ला के रहूंगी जब मैं माँ की आत्मा से कह सकूँ, देखो माँ तुम्हारी किरण मुस्कुरा रही है। नहीं नहीं दीदी, मैं तुम्हें ये ढोंग लगा जाने दूंगी। एक पाप को दूसरे पाप से न छुपाने दूंगी। मैं दिल में से जाके कह जाती हूँ मैं पापा हूँ, बच्चा मेरा है। किरण दीदी मेरा रास्ता छोड़ दो, उसे जाने दो। किरण मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं कहती मेरा रास्ता छोड़ दो, हट जाओ दीदी। मुझे माफ कर दो दीदी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, बिना भूल के मुझसे कोई बात ही नहीं होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारे दुख को जानती हूँ। गाड़ी वाले, कहाँ जाना है आपको? नेशनल पार्क डॉक्टर रमेश के घर। एक रुपया लेंगे? आठ आने नहीं, नहीं। गाड़ी वाले, खाली नहीं है, चलो बिठा लो भिखारी को। शुक्रिया। सब में दर्द हो रहा है किरण, तुम जाओ बाजार से जल्दी दवा ले आओ। तुम्हें तो नहीं किरण, पिछले दरवाजे से जाओ, नजदीक रहेगा। श्यामा, श्यामा, ये तुम्हें क्या हो गया है श्यामा? पहले भी तुम मुझे छोड़ के चली आई और आज फिर मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। आखिर मैंने क्या कसूर किया है जो मुझसे रूठ गई हो? मेरी तरफ देखो श्यामा, जिस दिन से तुम मुझे छोड़ के आई हो क्या हाल हो गया है मेरा। कितने ही दिन तुम्हें देखने की उम्मीद में बीत गए, कितनी ही रातें तुम्हारी याद में रोते हुए गुजर गईं। क्या इसलिए कि मैं तुमसे मिलूं और तुम मुझसे बात ना करो? तुमने तो कहा था शाम मैं तुम्हारी हूं। क्या हुए तुम्हारे वो वादे, क्या हुई तुम्हारी वो कसमें, क्या वो सब धोखा था? बोलो, कुछ तो बोलो श्यामा। मैं कुछ नहीं कह सकती श्याम बाबू, मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है, ऐसी भी क्या बात है जो मुझसे छुपाना चाहती हो? कौन है वो जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया? श्याम ये बच्चा किसका है? ये किस
किसका बच्चा है श्यामा, जवाब दो। तो ये रास्ता जो मुझे छुपाना चाहती, इसीलिए तुम मुझे छोड़ने पर मजबूर हो गई, इसीलिए मुझे देखते ही तुम यहां भाग आई, इसीलिए मेरे सामने तुम्हारी आंखें नहीं उड़ सकती। तुम्हारा प्यार प्यार नहीं था, फरेब था। तुमने प्यार के वादे मुझसे किए और दामन किसी और का थाम लिया। ऐसा ना कहिए श्याम बाबू। मैंने कितनी भूल की जो तुम जैसी औरत को प्यार की देवी समझा। काश मेरे दिल की तरह तुम्हारे दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, तुम्हारे भी दिनों का चैन और रातों की नींद जाती रहे, तुम भी वैसे ही रोती रहो जैसे तुमने मुझे रुलाया है। पर बिगड़ने लगी दीदी, मुझे कुछ कहना ही नहीं देती। तुम भी कह लो जो कहना है, शायद हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि सबकी सुने अपनी ना कहें। सबकी सुने अपनी ना कहें? क्या कोई आया था यहाँ? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था। यहाँ दुख दर्द के सिवा कौन आएगा? लीजिए इंदुरानी,
अरे हाँ, वो श्याम का क्या हाल? उनकी क्या पूछते हैं, हर वक्त खोए खोए रहती है, बस अपनी राधा के लिए सर धोते हैं। श्याम जो हुआ, नाम तो हमारा भी मनमोहन है, लेकिन हम आज तक किसी लड़की का मन नहीं मोह सके। बात यह हिंदुरानी कि आजकल की लड़कियां बेवकूफों के पीछे पड़ रहती हैं। लेकिन तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं पड़ी। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहां कि भगवान किसी लड़की को हमारे बंधन में बांधे। कोई बंधन चाहता है, कोई बंधन तोड़ देना चाहता है। और हजूर, आप औरत को इतना बड़ा दर्जा क्यों देते? मैं तो अच्छा है और ना मिले तो ना सही। हमसे तो ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम तो मोहब्बत में मर मिटे। कौन मरता है साहब, मरने का तो बहाना होता है। जरा हमारी तरफ देखिए, मोहब्बत में मरकर जिंदा हुए हैं। आप कौन हैं साहब, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई? जी मुझे कमर अजीत कहते हैं। मैं कर्नल साहब के बंगले का पता पूछने आया था। जी मैं उनका भतीजा। ओ, आप शक्ल से ही किसी के भतीजे मालूम होते हैं। आपकी तारीफ? मेरा नाम इंदु है, मैं कर्नल साहब की दोस्त की लड़की हूँ और वही जा रही हूँ। कहिए तो आपको भी पहुँचा दूँ? जी जरूर, नेकी और पूछ पूछ, आइए। भगवान, मेरी ही दुकान में लोगों को साथी मिल जाते हैं, लेकिन तेरा मनमोहन फिर अकेले का अकेला है। अब तुम ही बताओ कर्नल चाचा, मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हर कदम पे ठोकर, हर सांस दर्द में फूका हुआ। श्याम, ये दर्द तो जिंदगी का श्रृंगार है। दर्द भरी जिंदगी बस एक रंगीन गालीचा समझ लो इसे। लाखों सुइयां इसके सीने से गुजरती हैं जब रंगारंग बेल बूटे बनते हैं। श्याम बेटा, अपना फर्ज अदा करते जाओ, काम में दिल लगाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। तुम्हारा दवाखाना छोटा सा है, उसे और बड़ा बनाओ। तुम्हें जितने रुपए की जरूरत हो मैं देने के लिए तैयार हूं। ये रुपया किसे दिया जा रहा है चाचा जान? रुपए की तो मुझे भी सख्त जरूरत है। अरे तुम कहां मेरे आवारा शहजादे, मौत की तरह बिंदु लाए आ सबके। हिंदू, ये तुम्हें कहां से मिल गया था? जी मनमोहन की दुकान पर आपका पता पूछ रहे थे, मैं इन्हें साथ ले आई। बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? ना लायक आवारा, मुझे इससे मिलकर हमेशा बहुत तकलीफ होती है। बरकुरदार, अब आ गए हो तो आप। चाचा जान अपने डाले भतीजे से मजाक कर रहे थे, इसे कहते हैं प्यार। श्याम, ये है मेरा भतीजा अजीत। अजीत, ये इंदु के भाई श्याम है। ओहो, आप ही हैं मिस्टर श्याम। अच्छा तो भाई मैं जरा चाय का इंतजाम करता हूँ। जनाब, आपकी मोहब्बत के चर्चे तो घर घर हो रहे हैं, आप ही हैं ना श्यामा के चक्कर में पड़े हुए। देखिए साहब, लड़कियां पीछे दौड़ने से नहीं मिलती, जब आती हैं अपने आप चली आती हैं। खैर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी आप इनकी बातों का ख्याल कीजिए, ये तो हमेशा अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अच्छा मैं जाऊं? जरा ठहर जाइए, आप चाय पीकर ही जाइएगा। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हुआ। इंदु, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम, घर जाओ आप। मुझे ऐसे आवारा लड़कों से तुम्हारा मेलजोल हरगिज पसंद नहीं। तुम कौन होते हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? नहीं जाती। मैं कहता हूँ जाओ। हाँ तो मिस, अच्छा ये बात है। चल बे जल्दी चाय ला। देख तो कौन आया रामू, इंदु चली गई। चलो अच्छा है, जवान लड़कियां तुमसे दूर ही रहना चाहिए। कर्नल साहब, एक मना जाती है लड़की। बुलाओ, यहाँ लड़की का क्या काम है? चचा जान, हम जो आ गए हैं, अब यहाँ लड़कियां नहीं आएंगी तो और कौन आएगा? घबरा गए अभी से? चुप रहे। आप में से डॉक्टर साहब कौन है? मैं हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके घर गई थी, मालूम हुआ आप यहाँ हैं। मेरा मर्द बहुत बीमार है, जल्दी चलिए। चलो मैं चलता हूँ। श्याम, मौसम खराब है, बड़ा कोट तो लेते जाओ। नहीं चाचा, उसकी कोई जरूरत नहीं। वाह वाह, खूब थी।
और कहो बखुरदार, कैसी गुजर रही है? डॉक्टर साहब, इसे ये कहने की जरूरत नहीं, ये बिचारी तो रात भर जागती रहती है। दुख मुझे होता है, तड़पती ये है, इसके प्यार ने तो मुझे अब तक जिंदा रखा है। झूठ बकते हो तुम, औरत प्यार करना नहीं जानती, वो सिर्फ ये जानती है मर्द को धोखा देना, औरत फ्रेब का दूसरा नाम है। ये आप क्या कह रहे हैं, आप अच्छे तो हैं। मैं मुझे माफ कर दो भाई, जाने पागलपने में क्या कुछ कह गया। अच्छा मैं जाता हूं। लोगों को अकेले चाय पीने में क्या मजा आता है। ओ, अजीत आपका गुलाम, देख लीजिए हाजिर हो गया।
दिल की बेकरारी भी बुरी चीज होती है। अगर आप ना आते तो शाम को मैं आपके यहाँ जरूर पहुँच जाती। मोहब्बत में जो पहल करे बाजी उसकी। इंदू क्या कर रही हो? मम्मी आप मिस्टर आजी और आप मेरी मम्मी। हाँ आपका। सुखी रहो बेटा, आप कर्नल जटा के भतीजे हैं। आज ही इनसे मेरी मुलाकात हुई है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बरसों से मैं इंदू को जानता हूँ। बड़ा नेक लड़का मालूम होता है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता। क्यों पप्पू? ये तुम लोग चुप खेलो। इंदू जरा जल्दी से चाय बना देना। अच्छा मम्मी। माताजी बारिश में भीग गया हूँ, मेरे कमरे में एक प्याला चाय भिजवा दीजिए। कमरे में? यहाँ पीने में क्या होता है? यहाँ तक आए हो तो पी जाओ। जी मेरी तबीयत खराब है, आप ऊपर ही भिजवा दीजिए। तो बाप से कह दो नौकर मंगवा दे, अगर जवाब करती हूँ। चला। क्या बात है मुन्नी, क्या बात है बेटा? बेटा जी श्याम भैया की तबीयत खराब थी, माँ से क्या मांगी उन्होंने ना कर दी। ऊपर से भैया का मुझे डालने लगा, मैंने मना किया तो दीदी ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं जाती हूँ भैया को चाय देने, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। चाय मैं दे आऊंगा बेटी, तुम जरा कर्नल चाचा को बुला लाओ। ये लो बेटा चाय पी लो। अब क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ पिताजी। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी ही वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ठीक ही कह रहा हूँ बेटे, न मैं दूसरी शादी करता और न तुम्हारे साथ घर में ये सलूक होता। लेकिन बेटा ये न समझना कि ये सब कुछ देखकर भी मैं कुछ नहीं देखता। मेरे सीने में भी दर्द उठता है लेकिन मैं चुप हूँ, सिर्फ इसलिए कि घर बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। तुम जानो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। मैं आपकी मजबूरियों को अच्छी तरह समझता हूँ पिताजी। जीते रहो बेटे, लेकिन तुम्हें तो बहुत बुखार है, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं पिताजी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मामूली सा बुखार है। मामूली सा बुखार नहीं बेटा, ये तो कोई बड़ा रोग है जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है तुम्हें। तुम अपने दिल का हाल मुझे क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हो सका, दोस्त तो हो सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। श्याम क्या हाल है श्याम का? बहुत बुरा हाल है कर्नल साहब, मेरा ख्याल है इसके दोस्त डॉक्टर रमेश को बुला लूं, न जाने क्या तकलीफ है इसे। मैं जानता हूं इसे क्या दुख है, क्या दर्द है, और ये भी जानता हूं उसकी दवा क्या है और कहां मिलेगी वो दवा। वो मेरे दिल का हाल क्या जाने, वो मेरे दिल का हाल क्या जाने। श्यामा। कर्नल साहब आप? बेटी मैं तुम्हें लेने आया हूं, श्याम बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। वो बीमार है? क्या हुआ उन्हें? जिसने दर्द दिया है वही पूछ रहा है क्या हुआ। श्यामा श्याम की बीमारी वो बीमारी नहीं जिसे डॉक्टर का हाथ अच्छा कर सके। इस दर्द का इलाज तो वही कर सकता है जिसने दर्द दिया है। कर्नल साहब अब मेरे जाने से कोई फायदा ना होगा, वो मुझे देखते ही गुस्से से दीवाने हो जाएंगे। मेरे पाप ने उनके दिल में नफरत पैदा कर दी है। पाप का नाम ना लो श्यामा, पाप का साया भी तुमसे दूर है। तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो, श्याम को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारे चेहरे पर अभी तक वही भोलापन है जो मैंने पहले दिन देखा था,
तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे मजबूर ना कीजिए कर्नल साहब। मैं मजबूर नहीं कर रहा, अपना हक मांग रहा हूँ। तुम्हें याद है एक बार तुम्हारी आंखों में प्यार का इशारा देखकर मैंने शाम को घर छोड़ने से रोक लिया था। अगर मैं ऐसा न करता तो तुम्हारी मोहब्बत की कहानी वहीं खत्म हो जाती। तुम इतनी नाशुकर गुजार नहीं हो सकती कि मेरी आंखों के आंसू तुमसे कुछ मांगे और तुम न दो। मैं चलूंगी कर्नल साहब। जीती रहो बेटी, तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी लिए आता हूं। जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, कल शाम तक लौट आऊंगी। शाम तक जा रही हो और शाम तक लौट आओगी? शाम तक जा रही हूँ, क्या मतलब? अब छुपाने की कोशिश ना करो दीदी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब मुझे मालूम हुआ कि तुम हंसते हंसते उदास क्यों हो जाया करती थी, सोते में शाम शाम क्यों पुकारा करती थी। तुमने मेरे लिए अपने आप पे बहुत जुल्म किए दीदी, अपने टूटे हुए दिल को थाम कर मेरे दिल के टुकड़ों को जोड़ती रही। तुमने मेरी खुशी के लिए अपनी और श्याम बाबू की जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर, जो होना था हो चुका, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और श्याम बाबू को सब कुछ बता दूंगी। ऐसा ना करना किरण, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। अब तुम्हारे राज मेरे हो चुके, तुम्हारा बच्चा मेरा हो चुका, रमेश के साथ तुम्हारी शादी तय हो चुकी। अब किए कराए तो पानी ना फिरो, मेरी खुशी का ख्याल ना करो। मेरी खुशी का मतलब तुम्हारी बर्बादी है और मैं ये कभी ना होने दूंगी। शायद किस्मत को यही मंजूर है कि हम दोनों खुश ना रह सके। अब मैं उनके पास आखिरी बार जाऊंगी और याद की वो दीवार भी तोड़ाऊंगी जो हम दोनों के दरमियान खड़ी है। श्यामा बेटी। अच्छा किरण, मैं अब चलती हूँ। बच्चे का ध्यान रखना और ये भी ख्याल रखना कि अगर तुमने अपनी जिंदगी से खेलना चाहा तो उससे पहले मेरी लाश तुम्हारे सामने होगी। श्यामा, मेरे कहने पर यहाँ तक तो आ गई हो, अब एक बात और मान लो। श्याम से कह दो तुम्हारे दामन पर पाप का कोई कृपा नहीं। कर्नल साहब, मुझे ये कहने पर मजबूर न कीजिए। अगर श्यामा तुम इस वक्त चुप रही तो श्याम हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। ऐसा ना कहिए। उसे पहले तुम्हारी जुदाई का गम था, ये गम तो वो सह गया, लेकिन जब वो ये समझा कि तुम्हारी जुदाई का कारण तुम्हारा पाप है, उसके दिल पर एक बिजली सी गिर गई। अब भी वक्त है, तुम चाहो तो शाम की जिंदगी बच सकती है, बिगड़ी बन सकती है। बिगड़ी बनाने वाला तो कोई और है कर्नल साहब।
है काटे, उछर भी है काटे, तू चाहे तो काटों को कलियां बना दे, नैया हमारी पार लगा दे, नैया हमारी पार लगा दे, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे। नहीं नहीं, तुम वो श्यामा नहीं हो, तुम वो श्यामा नहीं हो, ये हालत क्या बना रखी है आप? सुना है दवा तक नहीं पीते, दवा तो पी लीजिए ना। नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से दवा नहीं पीऊंगा, मैं उस श्यामा के हाथों से दवा पीऊंगा जिसे मैंने चाहा था। मेरे जिस्म का जर्रा जर्रा पुकार रहा है जिसे। उस श्यामा को भूल जाओ श्याम, वो तो कभी की मर चुकी, बड़ी देर हुई, उस श्यामा ने अपने हाथों गला घोट लिया अपना। अगर वो श्यामा मर चुकी तो फिर ये श्यामा यहाँ किस लिए आई? ये श्यामा जो मोहब्बत के बहाने किसी की जिंदगी से खेलना जानती है। मैं किसी की जिंदगी से नहीं खेली श्यामा। मैं नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता, मैं आराम से मरना चाहता हूँ, मरने दो मुझे, जाओ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मैं कहता हूँ चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। अभी तक मेरी पुकार नहीं सुनी, कब सुनोगे भगवान, कब सुनोगे? अजीत, अजीत, छोड़ो मेरा हाथ। इंदु, अब यह हाथ तुम कभी ना छुड़ा सकोगे। तो हमसे पीछा छुड़ाने के लिए तुमने डूबने का बहाना किया था? तुम ये समझते थे कि किसी की जिंदगी से खेलकर तुम छुपे रहोगे, जिंदगी में फिर कभी हमारा सामना ना हो सकेगा? आदमी आदमी की नजर से छुप सकता है, भगवान की नजर से नहीं। अजीत, क्या कह रही है ये? पता नहीं, अजीब दीवानी है ना, जानना पहचान और आते ही कहानी छेड़ दी। जाओ अपने रास्ता लो, मैं नहीं जानता कौन हो तुम। मुझे नहीं जानते, मैं श्यामा हूँ, किरण की बड़ी बहन। कौन किरण? वही जिसकी जिंदगी बर्बाद करके तुम मुंह छुपा रहे हो। जबान संभालो वरना। चलो इंदु यहाँ चले। अब तुम नहीं जा सकते, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं हटूंगी। हट जाओ। अजीत, क्या शोर मचा रखा है, क्या हो रहा है यहाँ? अजीत बेटा, क्या बात है? श्यामा तू यहाँ? देखिए ना मम्मी, ये पगली ना जाने क्या बकवास कर रही है, बेचारे अजीत पर काम का इल्जाम लगा रही है। कम्बक, तू पहले आई थी तो शाम की खुशियाँ लूट कर चली गई, अब मेरी बेटी के रास्ते में कांटे बिछाने आए हैं? तुझे इस घर से कौन से जन्म का बैर है? अजीत ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसके पीछे पड़ी है? ये धोखेबाज है, पहले इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, अब ये इंदु को धोखा देना चाहता है। ये बिल्कुल झूठ है, मैं तो इसकी सूरत तक नहीं पहचानता। मुझे तो पहचानते हैं आप, लेकिन आप किसे नहीं पहचानते होंगे, ये आपके जाने के बाद आया था। आपको वो दिन तो याद होंगे जब आप मेरे अनजान दिल से खेले थे, मुझे झूठे सपने दिखलाए, जिंदगी में खुशी देने का वादा किया और एक दिन मेरी खुशियां चुरा कर चले गए, मुझे रोने के लिए ये निशानी दे गए। आपने तो मुझे भुला दिया, लेकिन मैं इस बच्चे के बाप को कैसे भूल जाती? ये सब गलत है, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ, मैंने तो तुम्हें भी जिंदगी में पहली ही दफा देखा है। इससे पहले कभी नहीं देखा? कभी नहीं। जरा सोच विचार कर कहिए, शायद आपने देखा हो। एक दफा जो कह दिया, पहले कभी नहीं देखा। तो फिर आपके साथ मेरी ये तस्वीर कैसे बन गई? ये सब धोखेबाजी है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर ये झूठ है तो भाग क्यों रहे हो? कैसे तुम एक जिंदगी के साथ नहीं, कई जिंदगियों के साथ खेले हो, कई दिलों पर जख्म लगाए हैं, अब एक जख्म का मजा तुम भी तो ले लो। नहीं करना चाचा। गोली चलने से पहले ही चिल्लाने लगे,
तुम्हें अपनी जान की पड़ी है, तुम्हें उसकी जान का ख्याल नहीं आया जिसकी जिंदगी के साथ खेले हो। अगर वो खुदकुशी कर लेती तो क्या करते? मैं तो मौत को गले लगा रही थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बचा लिया। इसने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी लुटा दी, अपने दिल पर पत्थर रखकर श्याम बाबू से मुंह मोड़ लिया। किरण, नहीं दीदी, आज मुझे सब कुछ कह लेने दो। इसने मेरे होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए मेरे आंसू अपनी आंखों में भर लिए, मेरे पाप को छुपाने के लिए मेरे बच्चों को अपना बना लिया, ताकि डॉक्टर में से मेरी शादी हो सके। मेरी जिंदगी के लिए मेरी बहन जीता जी मर गई। अजीत, किरण की बर्बादी श्यामा के आंसुओं और श्याम की आहों के जिम्मेदार तुम हो। तुम इंसान नहीं, एक धब्बा हो। मोहब्बत के दामन पर, खानदान के दामन पर, अखलाक के दामन पर, इंसानियत के दामन पर। जब मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे भतीजे हो, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। काश तुम मेरे खानदान में पैदा न हुए होते, काश तुम्हारे पाप की कहानी सुनने से पहले मैं मर चुका होता। तुम्हारे पाप की एक ही सजा है, तुम्हारी मौत। नहीं नहीं, ये मैं अपनी आंखों के सामने नहीं दे सकती। इनके पाप की सजा मुझे दीजिए। आंखें हो तो देखो, दिमाग हो तो सोचो, तुम कहाँ हो और ये कहाँ है। तुम इसके पाँव की खाक भी नहीं, इसके पाँव पड़ो, पड़ो। अगर ये तुम्हें माफ करेगी तो बच सकोगे, वरना आज मेरे हाथों मारे जाओगे। मुझे मार डालिए, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरे पाप का प्रायश्चित इसी तरह होगा। मैं किरण के लायक नहीं हूँ। इसका हाथ रमेश बाबू के हाथ में दे दीजिए। नहीं अजीत, किरण तुम्हारी थी और तुम्हारी रहेगी। किरण तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें चाहती है, तुम इसे अपना बना लो, इससे शादी कर लो। मुझे माफ कर दो किरण। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझा। पिताजी, मैं और श्यामा अब यहां से चले जाएंगे। मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गई। बेटा श्याम, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं ही गुनाहगार थी, मेरी ही हर धर्मी ने सारे घर को नर्क बना रखा था। अब सब तुम मुझे माफ कर दो। बेटी कहो मुझे माफ कर दिया। आप एक नौकरानी से माफी मांग रही हैं? नौकरानी नहीं, बहू। ये आओ बेटी, तुम भी आओ। तुम दोनों भी आओ। कर्नल साहब, आप भी आइए, खाना तैयार है। खाना?